नमस्कार पत्रिका टीवी खास प्रोग्राम शीली फैमिली शो में आपका स्वागत है। फैमिली शो में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और नई शख्सियत के साथ। आज हमारे साथ है श्रद्धा। श्रद्धा के बारे में आपको बता दूं कि कई राजस्थानी मूवीज में काम कर चुकी है और इनकी हाल ही में एक नई मूवी सुहाना जल्दी ही रिलीज होने वाली है, तो खास मुलाकात करेंगे श्रद्धा के साथ। श्रद्धा, पत्रिका टीवी के जो ये प्रोग्राम हमारा फैमिली शो, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए पत्रिका स्टूडियो, आपकी मूवी रिलीज होने वाली है जी सुहाना के नाम जी, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी क्या है मूवी, क्या रोल है आपका? एक्चुअली सुहाना का रोल जो है, सुहाना जो टाइटल है वो सुहाना मैं ही हूँ, और वो लीड रोल आपका है। बिल्कुल लीड रोल मेरा है, और वो सुहाना एक ऐसी लड़की है जिस पर पूरी स्टोरी चल रही है कि उसके साथ क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। पूरी फिल्म की जो स्टोरी है वो सुहाना से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। थोड़ा सा कहानी के बारे में बताएंगे? कहानी एक्चुअली हम लोग जो ये मूवी लेकर आ रहे हैं, इसके डायरेक्टर हैं राज मिर्जा, और उन्होंने खुद स्टोरी लिखी है। स्टोरी कौमी एकता पर है कि आजकल बहुत सारे, हर जगह हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी ज्यादा हो रहे हैं ये सब चीजें। तो हम लोग चाहते हैं, हमारे सर सबसे ज्यादा चाहते हैं कि ये चीजें बंद हो जाएं, और शायद सभी चाहते हैं कि सब चीजें बंद हो जाएं। तो हम लोग कौमी एकता के ऊपर इस मूवी को लेकर आ रहे हैं, और ये उसी ओर हम लोगों को लेके जा रही है। शॉर्ट मूवी है, कहाँ कहाँ शूटिंग हुई है, कितने मिनट की मूवी है? ये है 35 मिनट्स की मूवी है, और इसकी शूटिंग जयपुर में ही हुई है। सारी शूटिंग हमने जयपुर में ही की है। बाकी स्टार कास्ट के बारे में अगर आप बताना चाहें? बाकी इसकी जो स्टार कास्ट है बहुत ही अच्छी है, एंड बहुत ही टैलेंटेड है, जितनी भी टीम है बहुत टैलेंटेड है। मिस्टर इलियास खान, जिन्होंने मेरे अब्बू का रोल किया है, जो स्टोरी है वो उनसे भी बहुत ज़्यादा अटैच है ये स्टोरी पूरी। मेरे हीरो हैं ऑनिक वाधवा, और मेरे ब्रदर का रोल किया है शैलेंद्र सिंह ने। उसके अलावा इसमें सीमा सेठी मैम है, और देव सर हैं जो कि थिएटर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, थिएटर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। शूटिंग आपने बताया जयपुर में हुई जी हाँ। तो क्या मूवी कंप्लीट हो चुकी है, रिलीज होने का कब तक है? और जी मूवी कंप्लीट हो चुकी है, और हम लोग सोच रहे हैं आफ्टर दिवाली इसको रिलीज करेंगे। दिवाली के बाद क्यों? कुछ दिवाली के बाद एक्चुअली हम लोग अभी इसका कुछ प्री प्रोडक्शन जो है, मतलब मूवी हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा भी हमें बहुत सारे काम इसमें भी करने बाकी हैं, तो हम लोग उन कामों में लगे हुए हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं और सब लोग दिवाली मना लें, उसके बाद हम लोग उनको नया धमाका दें। ओके ओके। इससे पहले भी आप कई मूवीज में काम कर चुके हैं? जी हाँ। पहली मूवी कौन सी थी आपकी? मेरी पहली मूवी थी ओजी रे दीवाना, वो एक राजस्थानी मूवी थी, और नीलू जी को तो सभी जानते हैं, उनके साथ थी वो मूवी। और छोटा सा मेरा बहुत क्यूट सा रोल था, पर मैं उसे सेटिस्फाई थी, स्टार्टिंग था, और वो छोटा सा रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद? उसके बाद मैंने थिएटर करना शुरू किया। एक्चुअली ऐसा होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मूवी करने के बाद थिएटर करना पसंद नहीं करते, लेकिन मेरा स्टेप दूसरा था। मैं जब मूवी करने गई तो मुझे लगा नहीं है, थोड़ी सी कमी रह गई है शायद, तो मैंने उसके बाद थिएटर करना शुरू किया, और मैं थिएटर में मैंने बहुत सारे प्ले किए, और मैंने सीखा अपनी एक्टिंग को, ब्रशअप किया। उसके बाद मैंने और भी मूवी की, उसके अलावा मैं डायरेक्शन भी कर चुकी हूँ। डायरेक्शन के बारे में पूछूंगी आपसे, लेकिन पहले और मूवीज के बारे में बताइए आप मुझे, कौन कौन सी मूवीज में? जी मैंने शॉर्ट मूवीज, ज्यादातर मैंने शॉर्ट मूवीज करी हैं। मैंने शाने हेलमेट, आखिरी रस्म की है, उसके अलावा मैंने अंतहीन जिंदगी की है, और उसके अलावा मैंने अभी जो कर रही हूँ सुहाना, वो तो है ही, और उसके अलावा मैंने ज्यादातर मूवी में डायरेक्शन भी किया है, तो वो डायरेक्शन का पार्ट है। ज्यादातर मूवीज ऐसी हैं सोशल मैसेज देने वाली, इसकी कोई खास वजह है कि आप लोग इसी तरह की मूवीज में काम कर रहे हैं या ऐसी ही मूवीज बना रहे हैं? एक्चुअली मैं 10 साल से मिस्टर मिर्जा के साथ काम कर रही हूँ, और उनका कंसेप्ट ज्यादातर सोशल पर ही होता है बेस, कि वो चाहते हैं कि समाज को मैं कुछ मैसेज दूं, पता चले कि कुछ जो हो रहा है लोग उसे समझें, तो वो मैं उनके साथ काम करती हूँ, इसलिए ऑब्वियसली उनके मैसेजेस के साथ ही जाऊंगी। और उसके अलावा जो मैंने काम किए हैं कमर्शियल अलग, तो वो बिल्कुल अलग डिफरेंट काम है, और मुझे पसंद है कि हम लोग दुनिया को बताएं कि हम क्या डिफरेंट चाहते हैं मूवी के जरिए। जी जी जी। डायरेक्शन की आप बात कर रहे थे, आपने डायरेक्शन भी किया है, तो उनके बारे में बताइए कि कैसे सोचा आपने एक्टिंग करते करते डायरेक्शन में आ गया? एक्चुअली मुझे बोला कि तुम एक्टिंग कर रही हो, लेकिन एक्टिंग भी ज्यादा तुम्हें तब समझ में आएगी, कभी डायरेक्शन भी करके देखो, ये बहुत मुश्किल काम है। और मैंने सोचा कि ठीक है ये चैलेंज ले लेते हैं एक बार, एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, तो मैंने डायरेक्शन किया। पहले प्ले में डायरेक्शन किया, मैंने 2 प्ले मैंने डायरेक्ट किए,
और तब मुझे सीरियसली पता चला कि डायरेक्शन सीरियसली बहुत मुश्किल काम है, बहुत बहुत पेन होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। फिर मैंने डायरेक्शन किया और फिर मैंने असिस्ट किया, सबसे पहले मिर्ज़ा सर को ही किया क्योंकि उन्हीं के साथ काम करी तो, और वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ कम्फर्टेबल है काम करना। और उसके बाद मैंने और मूवीज़ डायरेक्ट की तो मुझे पता चला कि हाँ ये बहुत मुश्किल काम है और मैं सीख रही हूँ अभी भी डायरेक्शन पूरी तरह, ये मैं नहीं कह सकती कि मैंने पूरा सीख लिया है, सीख रही हूँ। प्ले का आप जैसे बता रहे थे थिएटर भी आपने किया हुआ है, तो कुछ आपने कोई वर्कशॉप वगैरह ली थी या कोई एक्टिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह भी ली है? नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ये तो एक्चुअली मैम ये बोल सकते हैं कि ये मुझे गॉड गिफ्टेड है कि मुझे एक्टिंग बहुत एक्टिंग आती थी और बस मैंने ब्रशअप की हैं चीज़ें। एंड सबसे पहले मेरे पास म्यूजिक था और मेरी फैमिली यही चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं, लेकिन वे चेंज हो गए तो मैं एक्टिंग में आ गई और म्यूजिक अभी थोड़ा पीछे रह गया। कब ये सोचा आपने कि आपको एक्ट्रेस बनना है? मैंने मैम स्टार्ट किया था थिएटर, तब तक इतना नहीं सोचा था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं श्रीलीड फैमिली शो, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा से। तो श्रद्धा, जैसे आप बता रहे थे डायरेक्शन भी आपने किया, एक्टिंग भी आपने की, सब इतना सब कुछ आप करती है, सिंगिंग आपको शौक था जी, तो वो सिंगर कहाँ रह गया पीछे? सिंगर है मेरे अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि सिंगिंग इज माई फर्स्ट लव, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो मेरा पहला प्यार है और वो मुझे बहुत सुकून देता है। एक्चुअली वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता मेरे अंदर से, क्योंकि जब भी मैं गाती हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, पीस ऑफ माइंड फील करती हूँ, तो उसे मैं छोड़ तो नहीं सकती, लेकिन हाँ उसे एज अ प्रोफेशन नहीं ले पा रही हूँ। तो किसी मूवी में इसमें कभी आपको गाने का मौका मिला? हाँ, मैंने प्रोफेशनली भी गाया है, अंतहीन जिंदगी एक मूवी थी, नहीं आई थिंक बैड कंपनी एक मूवी थी जिसमें मैंने एक छोटा सा पार्ट गाया था, और उसके अलावा मैंने प्रोफेशनली लाइव सिंगिंग भी की हुई है, तो इतना नॉलेज तो है मुझे थोड़ा बहुत। और जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं गाना सुनना और गाना गाना दोनों बहुत पसंद है। मतलब हमारे एक सिंगर भी बैठे तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता मुझे गाना ना सुने। ओके, किस तरह का गाना पसंद करेंगे? जो आपको पसंद है। ओके, चलिए ठीक है। जान सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। प्लेबैक भी शुरू कर दीजिए। थैंक यू मैम। तो फैमिली को जब आपने बताया कि आपको जो आपको सिंगर नहीं बनना, आपको तो एक्टिंग में जाना है जी, तो वहाँ से क्या रिएक्शन आया? एक्चुअली फैमिली को मैंने बताया नहीं कि मुझे क्या चूज करना है, पहले मैं सिंगिंग करती थी, वो हैप्पी थे बहुत, क्योंकि मेरे सारे घर वाले यही चाहते थे कि मैं सिंगर बन जाऊँ, और मैं मेहनत भी बहुत कर रही थी। फिर वेज चेंज हुए, मैं थिएटर में चली गई, तब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन एक चीज़ होती है कि एक्टिंग करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना इजी नहीं होता, एक्टिंग का प्रोफेशन चूज करना, और वो भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं सभी जानते हैं। तो उन लोगों ने बहुत मना भी किया मुझे कि नहीं तुम ये एक्टिंग वैक्टिंग के चक्कर में मत पड़ो, तुम अपना सिंगिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन फिर वेज ऐसे चेंज हुए कि मैं एक्टिंग में जाती गई, फिर उन्होंने पहले तो बहुत नानुकुल किया, मना किया कि नहीं ऐसा कुछ, ये मत करो वो मत करो, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगा कि हाँ वो कर रही है, मेहनत कर रही है, तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। सबसे ज्यादा मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया है एज अ गर्ल, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते, और खासकर मदर्स तो बिल्कुल नहीं करते, तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आज मैं जहां तक भी आई हूँ उसमें मेरी मम्मी का बहुत हाथ है। श्रद्धा भी आपने बोला था ना कि ये इंडस्ट्री की जो बात कर रहे थे सब जानते हैं सही है, तो वो जो ऐसे ही है वाले से आपका भी पाला पड़ा? हाँ, क्योंकि हम जिस जगह पर हैं वहाँ पर अच्छा और बुरा, एक्चुअली ये फील नहीं, आप कुछ भी देखें पूरी दुनिया में अच्छाई और बुराई हर जगह है, डिपेंड करता है आप चूज क्या करते हैं, आप शॉर्टकट चूज करते हैं या आप लॉन्ग वे में जाकर इजी, मतलब लॉन्ग वे में जाकर एक लंबी सक्सेस चाहते हैं। आपको लगता है आपको सक्सेस मिल पाई है? मे बी हम अपना फ्यूचर तो नहीं देख सकते, लेकिन मुझे पता है हाँ टाइम लगेगा लेकिन मिलेगी जरूर। आगे के बारे में क्या सोचा है और क्या करने वाली है? आगे अभी तो ये मूवी है, अभी हम लोग इसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि इसका ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा है और मैं भी खुश हूँ इस मूवी से। उसके अलावा अगर इसके बाद मुझे काम मिलता है एक्टिंग में तो जरूर करूंगी, और अगर मुझे एक्टिंग में काम नहीं भी मिलता है तो मैं डायरेक्शन करूंगी।
थिएटर कहीं पीछे छूट चुका है? नहीं, थिएटर पीछे नहीं छूटा है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं थिएटर भी करूंगी और थिएटर तो मैं पूरी लाइफ करना चाहती हूँ, क्योंकि थिएटर में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे कैमरे के सामने भी नहीं मिलता। आखिरी प्ले कब किया था, कितना टाइम हो गया? मुझे आखिरी प्ले आई थिंक मुझे 3 साल हो गए होंगे करे हुए, लेकिन मैं सीरियसली अभी भी थिएटर में जाती हूँ तो वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ की जो खुशबू है वो मुझे बार बार बुलाती है कि आप आइए, लेकिन शायद कैमरे के सामने आने के बाद टाइम की बहुत कमी हो गई है, लेकिन हाँ मैं जरूर थिएटर की तरफ वापस जाऊंगा। अपने बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स है, मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 भाई, सॉरी एक भाई अब नहीं है, मेरा एक भाई, मैं, मेरे मम्मी पापा और अब तो एक भाभी भी है। क्या क्या पापा फादर मदर क्या करते हैं? मेरी मदर होम मेकर है एंड मेरे फादर जो हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं, मेरा भाई है वो डॉयशे बैंक में जॉब करता है और मेरी भाभी होम मेकर है। आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ से? मेरी एजुकेशन जयपुर से ही हुई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और मैं ग्रेजुएट हूँ। म्यूजिक से भी मैंने थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन किया हुआ है क्योंकि बहुत शौक था, और उसके अलावा मैं थिएटर कर रही हूँ। तो आप जयपुर से बिलोंग करते हैं मूल रूप से या कहीं बाहर से है? पैदा तो मैं कानपुर में हुई थी, लेकिन हमेशा से बचपन से जो मेरी पढ़ाई स्टडी जो पूरी स्टडी मेरी जयपुर से हुई है, और मेरे मदर फादर हैं वो पूरी तरह कानपुर से ही बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा क्या आपकी हॉबीज, लाइक डिसलाइक, इंटरेस्ट क्या है? डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग तो ये तो मेरा है ही, शायद मेरे ब्लड में है जी। उसके अलावा मुझे खुद को सजाना बहुत पसंद है, और दोस्त बनाना, बातें करना, गाना सुनना और घूमना थोड़ा बहुत। मुझे लग रहा है बहुत सिंपल है। ओके नहीं, मुझे सजाना खुद को पसंद है लेकिन सिंपलिसिटी से, मतलब मुझे वो एक्स्ट्रा एक ऐसी चीज नहीं चाहिए जिसे मैं आर्टिफिशियल लगूं। अच्छा, फ्रेंड सर्किल का क्या है अभी, क्योंकि आप बिजी रहते होंगे, शेड्यूल आपका ऐसा रहता है, मूवीज जैसे भी आपकी चल रही है, तो दोस्तों से मिलना हो पाता है सबसे? दोस्त नाराज रहते हैं मुझसे थोड़ा बहुत, ज्यादा ही रहते हैं शायद, बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन मेरे दोस्त मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास, मतलब आप मधु को जानते होंगे, शी इज वेरी गुड सिंगर और मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम लोगों ने म्यूजिक साथ में ही किया था और एक्टिंग भी हमने साथ में ही शुरू की थी, फिर फील्ड्स अलग हो गए और हम अब, वो भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, और जब हम मिलते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। उसके अलावा भी फ्रेंड्स हैं जो मैरिड हैं और वो सब भी बहुत प्यार करते हैं, टाइम मिलता है तो मैं उनसे जरूर मिलती हूँ। कुछ कहना चाहते हैं अपने दोस्तों को? मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं जहाँ पर हूँ, तुम लोगों ने मुझे बहुत एनकरेज किया है यहाँ तक पहुँचाने में, बहुत प्यार दिया है और हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, ये बताया है कि तुम में कुछ है और तुम कर लोगे। अगर आपको काम करने के लिए जयपुर से बाहर कहीं निकलना पड़ता है या जाना पड़ता है तो क्या आप जाएंगे? बिल्कुल। फादर मदर का? हाँ, उनका मुझे सपोर्ट है, बस उनका कहना है ये कि खुद का ध्यान रखना है तुम्हें, कभी मुझे हमें ये ना लगे कि तुम परेशान हो, एंड दैट्स इट। हम लोग आपकी जो मूवी आने वाली है वो कहाँ और किस तरह से देख सकते हैं? वो मूवी हम हॉल में रिलीज करने वाले हैं, अभी यही सोचा गया कि उसे हॉल में रिलीज किया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर चलाने से हम वो एक्चुअली जो कंसेप्ट दिखाना चाहते हैं सबके पास पहुंचाना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है यूट्यूब पे सब लोग देख पाए, तो हम चाहते हैं हर किसी को हम हॉल में रिलीज करके दिखाएं ताकि हर किसी के पास वो मैसेज पहुंच सके। जी बिल्कुल। श्रद्धा एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, मैं चाह रही थी कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो साथ में, लेकिन कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो आपके दोस्त यहाँ पर हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगी उनसे हम बातचीत करते हैं और आपके बारे में उनसे पूछताछ करेंगे थोड़ी सी। तो शीरीट फैमिली शो में फिलहाल होते हैं छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी श्रद्धा से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए पत्रकार टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शीरीट फैमिली शो और हम बात कर रहे थे श्रद्धा से, यहाँ हमारे साथ श्रद्धा के फैमिली फ्रेंड राज मिर्जा वो भी मौजूद है, उनसे हम थोड़ा सा जानते हैं श्रद्धा के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रकार टीम। थैंक यू मैम। पहले आपसे मुलाकात हो चुकी है मेरी, लेकिन आज आप श्रद्धा के साथ आए। जी बिल्कुल। कितने सालों से जानते हैं आप इन्हें? तकरीबन 10 साल हो गए, और हमारी जो मुलाकात है वो थिएटर पे ही हुई थी जी, तो वहीं से ये सिलसिला जारी रहा। और एक हमारी जो एक तरीके से इनके जो फैमिली है और हमारी फैमिली है, सब एक साथ जुड़ गए हैं, पर एक मोहब्बत के साथ में ही हम सब लोग रहते हैं, तो इसलिए कुछ जिम्मेदारियां मेरी भी हैं कि कहीं पर भी जाएं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्योंकि इस फील्ड में हम लोग साथ में ही काम कर रहे हैं। किस तरह से आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या थिएटर आप लोग एक साथ कर रहे थे, किस तरह से? दरअसल मुझे रिक्वायरमेंट थी एक लड़की की उस टाइम पे, क्योंकि थिएटर पे अक्सर लड़कियां आने से डरा करती थी, और ये स्कूल का कुछ शोज कर रही थी उस टाइम पे,
वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई, मैंने इनको अप्रोच किया कि भाई मेरा एक प्ले है और उसमें आपको रोल करना है, तो इन्होंने कहा ठीक है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट इनको बताया, फिर इनको अच्छा लगा और फिर हमने वहाँ से शुरुआत की जो आज तक लगातार चली आ रही है। तो आप लोगों ने साथ में काम करना कब शुरू किया, किस तरह से, और कौन सी मूवी में फर्स्ट मूवी कौन सी थी जिसमें आप दोनों एक साथ थे? फर्स्ट मूवी थी हमारी अंतहीन जिंदगी, जो कि चाइल्ड एब्यूज़ के ऊपर थी, जिस तरह से बच्चों को टीस किया जाता है, उनके आंखें निकाल ली जाती हैं, किसी तरीके से उनको नुकसान पहुंचा के उनको भीख मंगवाई जाती है। उस फिल्म में इनका एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर था और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उस कैरेक्टर को निभाया और सबने बहुत तारीफ भी इनकी की थी। उसके बाद ये परमानेंट आ गए कि हाँ अब तो मेरी सारी शॉट, सारी जो भी मैं मूवी बनाऊंगा उसके अंदर यही होंगी। दरअसल डेडिकेटेड पर्सन जो होते हैं बहुत कम होते हैं, काम को लेके सीरियस होना ये श्रद्धा की सबसे अच्छी आदत है और ये काम को लेके हमेशा सीरियस रही है, चाहे छोटा सा रोल हो या बड़ा रोल हो। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे कोई बड़ा रोल चाहिए, मेरे को तो इस बार है ना आप कोई बड़ा रोल दो, मैंने आपके साथ में इतना काम किया, कभी इन्होंने नहीं कहा। बट इन्होंने यही कहा कि जब भी कोई अच्छा कैरेक्टर आए, ये मेरे दिल में भी थी कि कभी कोई अच्छा कैरेक्टर निकलेगा तो मैं इस लड़की से जरूर कराऊंगा। देन सुहाना जी, सुहाना में इनको लीड कैरेक्टर करवाया है और इन्होंने उस रोल को बहुत ही खूबसूरती से किया है। वो फिल्म जब आप देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा। श्रद्धा आप सिंगर भी हैं, तो आपने कभी बोला नहीं आप साथ में काम कर रहे कि मुझे एज ए सिंगर भी मौका दिया जाए? नहीं मैम, एक्चुअली मेरा मानना है कि अगर मेरा टैलेंट दिख रहा है तो वो मौका मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और एक्चुअली जो छोटा सा मैंने प्लेबैक सिंगिंग किया था वो इन्हीं की मूवी में किया था, इन्होंने ही मुझे, मैंने तब मना कर दिया था कि नहीं अब शायद मैं नहीं गा पाऊंगी, तो सर बोले कि नहीं तुम गाओ, तुम थोड़ा गाओ लेकिन गाओ क्योंकि जरूरत है, तुम गा सकती हो। तो वो छोटा सा पार्ट भी मैंने इन्हीं की मूवी में गाया था। फिल्म लाइन में एक चीज कही जाती है कि किसी भी चीज के पीछे ना हाथ धो के नहा धो के पीछे पड़ जाओ तभी वो चीज आपको मिलेगी, वरना वो चीज आपको कभी नहीं मिल सकती। तो मेरा मानना ये है कि आप जिस ट्रैक पे हो, सिंगिंग नो डाउट बहुत अच्छी करती हैं, बट अभी थोड़ी और जरूरत है प्लेबैक सिंगर बनने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि खूब कोशिश करें क्योंकि फिल्म लाइन में उम्र नहीं है और लगातार कोशिश करने से वो चीज जरूर इनको मिलेगी जो ये चाहती हैं। चलिए इनके बारे में और थोड़ा सा मुझे बताइए, इनकी लाइक डिसलाइक क्या है, सेट पे रहती है तो किस तरह का माहौल रहता है, और कभी गुस्सा उस्सा आता है इनको या नहीं आता? नहीं गुस्सा इन्हें नहीं आता, गुस्सा इसलिए मत बोलिएगा कि सामने बैठी है कि नहीं आता, सच में जानना चाहते हो? अगर दर्शक सच सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ कि जब भी हम लोग, जब कैमरा सामने होता है तो हम लोग बोलते हैं कैमरा रोलिंग, साइलेंट प्लीज, एक्शन, अचानक से कुछ गिरने की आवाज आती है, दौड़, देन वो श्रद्धा होती है। तो सेट पे डांट पड़ना स्वाभाविक है, हमेशा ये गलतियां करती रहती हैं और इनको इतनी डांट पड़ती है उस टाइम पे, तो कुछ भी होता है, कुछ भी टूटता है फूटता है वो श्रद्धा के जिम्मे होता है और उसको बाद में फिर ये पैसे खर्च करती हैं और वो चीज लाकर वहां पे सेट पे रखती हैं, इनकी आदत है। श्रद्धा क्या चक्कर है, इतना टूट फूट के होता है भाई? पता नहीं बचपन से प्रॉब्लम है, इवन मैं किचन में भी जाती हूँ और वहां से गिरने की आवाज आती है तो मेरे घर वाले जानते हैं हाँ उसमें अंदर वही होगी और कुछ नहीं है, ये पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो। और ये डांट खाना अब मेरी हैबिट भी बन गया है क्योंकि ये होता रहता है और मैं डांट खाती रहती हूँ। बॉन्डिंग आप लोगों की किस तरह की रहती है, हालांकि आप लोग साथ में इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी हैं आप लोग, आपकी फैमिलीज भी आपस में मिलती होंगी, तो वो जो टाइम होता है किस तरह से आप लोग स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं? एक्चुअली मुझे लगा कि हम फैमिली फ्रेंड तो हैं, फैमिली जैसे हैं, लेकिन हम काम पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। इवन हमारी फैमिली और हम लोग कुछ साथ में भी होते हैं तो हम उस टाइम काम की ही बात कर रहे होते हैं। फैमिली वाले कई बार परेशान हो जाते हैं कि तुम लोग को काम करना है तो बाद में करो ना, लेकिन हम लोगों का घूमकर फिर से वहीं आ जाता है कि काम, अच्छा ये रह गया वो रह गया। इवन हम लोग पर्सनल बात बहुत कम कर पाते हैं, पर्सनली हम लोग कभी कुछ डिस्कस शायद ही बहुत रेयर करते हैं। हाँ लेकिन हम तीन फ्रेंड्स जब साथ होते हैं तो बहुत पर्सनल डिस्कस होता है, मैं, मधु और सर, तो हम तीनों बहुत पक्के वाले फ्रेंड्स हैं तो हम लोग साथ में बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, इनकी लाइक डिसलाइक क्या है? लाइक सिर्फ काम करना, कंप्यूटर पे रहना हमेशा, एडिटिंग एंड ऑल जो भी नया सीखना, और डिसलाइक की कोई काम के लिए मना ना करे बस, मतलब इनको कोई काम के लिए मना ना करे। हाँ सुनने की आदत है आपकी? एग्जैक्टली, क्योंकि मैं उस इंसान को ही बोलता हूँ जब मुझे लगता है कि, कहते हैं कि डायरेक्टर की नज़र जो है ना पार की नज़र होती है, मुझे लगा कि मैं राखी मैम से कुछ करवा सकता हूँ तो फिर मैं राखी मैम को ही बोलूंगा, भले ही राखी मैम मना कर देंगे मैं नहीं करूंगी, फिर भी मैं आपसे ही कराऊंगा, आप चाहे कितनी बार भी ना करें, लेकिन आप जब करेंगे ना तो फिर पूरी दुनिया बोलती है कि नहीं यार मज़ा आया राखी के काम में। तो बस यही है, थोड़े सा
सबको वो कहता है ना कि कुदरत किसी ना कि हर इंसान को कुछ ना कुछ नवाजती है, मुझे ये चीज़ नवाजी है कि थोड़ी सी नज़र दी है जो मैं पहचान लेता हूँ। बिल्कुल। अच्छा सुहाना, मैं आप लोगों ने साथ में काम किया है, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा कोई शेयर करना चाहिए? ये था कि सुहाना के अंदर जो मेन कैरेक्टर किया है इलियास खान साहब ने किया है, और इलियास खान साहब की उम्र है तकरीबन 60 से 65 के बीच में, बहुत बुजुर्ग से और अच्छे से कलाकार हैं, मतलब बहुत टैलेंटेड आदमी हैं। अब हुआ क्या कि एक बार जब हम लोग कुछ सीन क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ कुछ नए बच्चे भी होते हैं, जब हम किसी नए आर्टिस्ट को चांस देते हैं तो वो नया आर्टिस्ट जोश में आ जाता, फाइटिंग सीन था और फाइटिंग सीन के अंदर उनको खूब मारा और उन्होंने रिएक्शन भी बहुत अच्छे दिए और बाद में वो बेहोश होकर गिर गए। जब हमने उनसे पूछा क्या हुआ, पानी वानी डाला, बोले इतना थोड़ी मारते हैं यार, ये तो सब असली में ही मार रहे हैं। तो नए लोगों को लेने का ये नुकसान भी उनके साथ में हुआ और उन्होंने कहा राज तुमने मुझसे क्या क्या काम, उन्होंने दरअसल उनसे जो कहा गया उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं 40-50 साल से थिएटर कर रहा हूँ या फिल्म लाइन में मुंबई से हूँ, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मुझे ये कहा डायरेक्टर तुम हो, जो तुम मुझे बोलोगे वो करोगे। हमने रोड पे चलते रास्ते कुछ मोन्टाज शॉट थे, उसमें क्या किया, चलते रास्ते एक ठेला जा रहा था तो उस ठेले को हमने रुकवाया, गया एक बार रुकिए हमने हमारा शॉट लेने के लिए, वो ठेला भी उनसे चलवाया, रोड पे हमने उनसे झाड़ू भी लगवाई। मतलब वो सीन करने के बाद मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि यार मैंने कुछ ज़्यादा काम तो नहीं करवा लिया, बट उन्होंने आके मेरे को बोला कि नहीं यार, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान में कोई ऐसा बंदा है जो किसी से कुछ भी करवा सकता है, और तुमने मुझसे वो काम करवाए हैं जो मैं कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब वो स्क्रीन पे अपने आप को देखेंगे तो मेरा सभी लोगों से वादा है कि आप सबको पसंद आएगा और उनको तो नो डाउट बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक फिल्म सिर्फ 3 लोगों ने देखी है, एक मैंने और एक मेरे एडिटर ने और एक मेरे कैमरामैन ने। बस मूवी हिंदी में है या राजस्थानी में है? मैम हिंदी में। जी आप सोशल इश्यूज पे ज्यादातर मूवी क्यों बनाते हैं, इसकी कोई खास वजह है क्या, कुछ और नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी लोगों को चाहिए होता है। सोशल इश्यूज पे काम करने का बहुत मज़ा आता है। अभी इससे पहले मेरी हु विल हेल्प थी, हु विल हेल्प में हमने स्कूलों में काफ़ी बच्चों को ये फिल्म दिखाई, और जब बच्चों को फिल्म दिखाई तो आज उसका रिस्पांस ये आता है मैम कि फ़ोन आता है, हेलो सर हमने आपकी एक फिल्म देखी थी, उसमें आपने बताया था ना कि किसी भी घायल की मदद करते हैं तो परेशान नहीं करेंगे पुलिस वाले, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हज़ारों लोगों की जान उस फिल्म की वजह से बच पाई है, और खुशी होती है कि यार मैंने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से लोगों की जान बच रही है, तो आई एम हैप्पी। और इसके अलावा भी जो सोशल इश्यूज के आप बोल रहे हैं, रीज़न यही है कि एक सुकून मिलता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, और एंटरटेनमेंट की बात रही तो वो भी काम करेंगे, बट राजस्थान में एक सपोर्ट चाहिए, एक बहुत बड़ा हमारे को एक सेफ हैंड चाहिए, जो कि हमारे पास में जब ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं बड़े तो उनके लिए एक फाइनेंसर की रिक्वायरमेंट होती है, बिना फाइनेंसर के कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना मेरे हिसाब से नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जब तक हम अच्छा उसमें खर्च नहीं करेंगे, अच्छा उसको दिखाएंगे नहीं, तब तक अच्छी फिल्म बन भी नहीं सकती, तो इसलिए अभी सोशल इश्यूज़। फाइनेंस वाली बात आपने बात की तो श्रद्धा आप दोस्त हैं, हम लोगों पैसा भी सब बीच में आता है, पेमेंट वाली तो कुछ होता है या नहीं होता है? नहीं, पेमेंट के लिए हमारे बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं होता, एक्चुअली हम लोग पार्टनर्स भी होते हैं कभी कभी, तो हम दोनों पार्टनर्स होते हैं किसी प्रोजेक्ट में, फिर हम लोग जो भी टेबल से पहले मतलब टेबल पे झगड़ा होता है वो थोड़ा बहुत होता है कि ये करना है वो करना है, वहाँ स्टार्ट होता है झगड़ा, और हम लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, अगर मान जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते जो फाइनल होता है वहाँ पर, उसके बाद हमारा कोई झगड़ा नहीं होता प्रोजेक्ट में, क्योंकि उसके बाद सिर्फ काम करते हैं। आपको ये नहीं लगता कि इस तरह की जो मूवीज है उनसे पैसा नहीं कमाया जा सकता, उतना पैसा आप नहीं कमा पाते हैं जितना आप अगर एंटरटेनमेंट वाली मूवी बनाते हैं तो उसमें आपको मिलता? आप सही कह रहे हैं, बट वो पाक परवरदिगार है ना, वो सबकी हेल्प करता है, कहीं ना कहीं से रास्ते ऐसे निकल के आते हैं कि सोशल इश्यूज से भी हम लोग फिल्म में, ऐसा नहीं है कि हमारे पास में फंडिंग नहीं होती, बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं और वो हमें कॉपरेट करते हैं कि यार तुम ऐसा काम कर रहे हो हम भी आपके साथ में, तो वो लोग जुड़ते हैं साथ में, और एंटरटेनमेंट के लिए तभी फिल्म बनाऊंगा या राजस्थानी सिनेमा। हाँ ये ज़रूर है कि राजस्थानी सिनेमा के लिए बहुत अच्छी फिल्म देना चाहता हूँ, मगर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो नहीं होंगी तब तक मैं फिल्म नहीं करूँगा। रीज़न कि फिर एक ऐसी ही फिल्म बना दें तो मज़ा नहीं आएगा, बनाऊँगा तो हिस्ट्री बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। दर्शकों को कुछ कहना चाहे मूवी के बारे में तो प्लीज़। सुहाना फिल्म जो है कौमी एकता पर आधारित फिल्म है, और हमारे देश में आजकल जो माहौल बना हुआ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में बेवजह लड़ रहे हैं, दरअसल इनको लड़ाने वाला कोई और है,
ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ये तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक के बिना एक अधूरा है। इसी बेस के ऊपर पूरी फिल्म जो है हमारी वो आधारित है, और जैसे ही वो फिल्म आएगी आप सब लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगेगा, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से पता लगेगा, और हम उस फिल्म को चाहेंगे कि आप सभी लोग दिल से देखिए, और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये मैसेज मिलना चाहिए कि यार हम में कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं होता, एक फैमिली के अंदर सभी लोग अच्छे होते हैं, ज़रूरी नहीं कोई बुरा हो, हालात परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती हैं लेकिन बुरा कोई नहीं होता। और कोई किसी में यह नहीं कहना, मैं किसी को यह नहीं कहना चाहूँगा कि आप किसी भी धर्म के लोगों से अलग रहें। आज किसी भी आप हिंदू से पूछते हैं यार आपके कितने मुस्लिम दोस्त हैं, तो कहते हैं बहुत मुस्लिम दोस्त हैं। तो मैं पूछता हूँ उनसे कभी कोई नुकसान पहुँचाया, तो वो कहते हैं नहीं यार कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ऐसे ही मैं हिंदू से पूछता हूँ कि आपको कभी कोई नुकसान पहुँचाया, मुस्लिम से पूछता हूँ आपको कोई नुकसान पहुँचाया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर भी धार्मिक दंगे हो रहे हैं। इन सबको देखते हुए एक चीज़ एनालाइज की कि यार एक अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं तो वो सुहाना है, तो आप ज़रूर देखिएगा फिल्म सुहाना। आप कुछ कहना चाहें श्रोता? मैं ये कहना चाहूँगी कि मूवी आप लोग ज़रूर देखें, ताकि क्योंकि सबने बहुत मेहनत की है, हर आर्टिस्ट ने इसमें बहुत मेहनत की है, और हमने जो मैसेज दिया है वो आप तक जाए हम चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि आप रिटर्न में हमें बताएं कि उसमें आपको कैसा लगा, ताकि हम आगे आपके लिए कुछ एंटरटेनमेंट कुछ नया ला सकें और मैसेजेस भी ला सकें। बस तो शुक्रिया आप दोनों का, और पूरे पत्रिका परिवार की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी मूवी आए, लोग पसंद करें हर बार की तरह से। थैंक यू वेरी मच मैम, शुक्रिया। तो ये थी शी लीड फैमिली शो में हमारे साथ श्रद्धा, फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।